मेरे मैसेजेस, मेरे डीएम्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट की है कि मेक अ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन अ ग्रीन विंग मकाउ एंड अ स्कारलेट मकाउ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ग्रीन विंग मकाउ और स्कारलेट मकाउ में टेम्परमेंट, डाइट, साइज, इनका क्या फ़र्क होता है। सो, इससे आपको एक आसानी होगी दोनों बर्ड्स के बीच में चूज़ करने की कि विच बर्ड इज सूटेबल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हमारे पास है एक स्कारलेट मकाऊ जो कि एक डबल बैंड है और जिसका नाम है जोया। इससे शायद आप इसके व्लॉग में आपने देख चुके होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। फुल्ली मैंने इसके साथ में आउटडोर एक व्लॉग बनाया हुआ। और यह है साशा जो एक 11 महीने की फीमेल है। अगर आप देखेंगे फुल्ली हेल्दी, फुल्ली प्लेफुल, मगर जोया और साशा की आपस में नहीं बनती, आपको दिखाता हूँ। क्योंकि दोनों ही मस्ती खोर हैं और दोनों ही फीमेल हैं। तो आज हम ये दोनों बर्ड का कंपैरिजन करेंगे और जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि ये दोनों बर्ड्स जो दोनों ही रेड कलर के हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा मस्ती खोर हैं, तो आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपको दोनों में से, अगर इनकेस आपने मन बनाया हुआ है कि ग्रीन विंग लूँ या स्कारलेट मकाउ लूँ, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि आपको दोनों में से कौन सा बर्ड सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन देयर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इन दोनों का टेम्परेमेंट, इनका मिजाज कैसा होता है। नंबर वन, अपीयरेंस में बहुत बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं एक ग्रीन विंग मकाउ और एक स्कारलेट मकाउ से, मगर इसका जो सबसे पहला स्टार्क डिफरेंस होता है इनका कलर। अगर आप एक स्कारलेट मकाउ को देखेंगे, ये रेड तो होता है मगर ये ऑरेंजिश रेड होता है अगर आप गौर से देखेंगे तो। और यही रेड अगर आप एक ग्रीन विंग मकाउ में देखेंगे, ये हल्का सा मरूनिश रेड होता है, डार्कर कलर का शेड होता है। ये सबसे पहला डिफरेंस है ये दोनों बर्ड्स का। नंबर दो, अगर आप इसके विंग्स पर आएंगे, आपको रेड के बाद जो इमीडिएट कलर होता है वो होता है येलो और ब्लू कलर। और यही बात अगर हम ग्रीन विंग में देखेंगे, इसे ग्रीन विंग या रेड ग्रीन मकाउ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रेड के बाद जो इमीडिएट कलर आता है इसके विंग्स के ऊपर वो होता है ग्रीन कलर का। सो, ये एक अपीयरेंस में इनका बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, अपीयरेंस में इनके सबसे जो विजिबल डिफरेंस, जो बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, अगर आप ग्रीन विंग के आइस पैच देखेंगे जो वाइट कलर का है, उस पर रेड कलर की आपको स्ट्रिप्स दिखेंगी, एक लकीरें दिखेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा ईजीली रिकग्नाइजेबल डिफरेंस है। और यही चीज़ आप आइए स्कारलेट में देखिए, स्कारलेट का पूरा वाइट रहेगा, इस पर ग्रीन या कोई दूसरे कलर की कोई लकीर या स्ट्राइप्स नहीं होती। उसके बाद जैसे कि मैं हमेशा बता चुका हूँ, ग्रीन विंग मकाऊ और स्कारलेट दोनों की साइज़ देखिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। दोनों की साइज़ देखिए आप, वेट आप इमीडिएटली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ग्रीन विंग मकाऊ साइज़ में हमेशा बड़ा होता है। उसके पीछे रीज़न है, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मकाऊ है, तो साइज़ इसकी हमेशा से बड़ी होती है। ना सिर्फ इसकी साइज़, अब इसकी आप बीक का साइज़ देखिए और शेप देखिए, ज़बरदस्त डेंजरस इसकी बीक की ना सिर्फ साइज़ है और शेप है। और वहीं स्कारलेट मकाऊ की आप शेप देखिए, शेप में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। ये राउंडिश है, ये बहुत ज़्यादा राउंडिश होती है, आगे से पॉइंटेड होती है, ये पॉइंटेड होती है पर इतनी ज़्यादा राउंडिश नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इनके अपीयरेंस में। नंबर दो, साइज। एक स्कारलेट मकाऊ जब फुल्ली ग्रोन हो जाता है तो वो 31 से लेके 32 या 33 इंचेस तक मैक्सिमम जाता है। क्यों जाता है? इसकी टेल सबसे लंबी होती है अगर आप देखेंगे तो। वहीं एक ग्रीन विंग मकाऊ अपनी फुल्ली ग्रोन जब ये पूरे हो जाते हैं तब ये जाते हैं 37 से 38 इंचेस। रही बात इनकी वेट की, ये 1 से 1.25 किलो तक अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ टाइम में। और ग्रीन विंग मकाऊ, आप यकीन नहीं मानेंगे, दोनों को मैंने लिया हुआ है, ग्रीन विंग मकाऊ अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1 किलो 700 ग्राम, 1 किलो 800 ग्राम तक टच कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, दोनों को मैंने साथ में लिया हूँ, मेरा हाथ है ना इसको लेके खड़े खड़े, ऐसा मेरा हाथ कहाँ पर है, बिकॉज इसका वेट बाय गॉड ग्रेस टचवुड बहुत ही ज़बरदस्त वेट है इसका। नंबर थ्री, डाइट। रही बात इनकी डाइट की, स्कारलेट मकाऊ
ज़्यादातर आप देखेंगे ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, पैलेट्स वगैरह ज़्यादा ये सब कुछ खा लेते हैं। मगर वही बात ग्रीन विंग की करेंगे, ग्रीन विंग की बीक की आप जब शेप देख रहे हो, ये बने नट्स तोड़ने के लिए, ठीक है। ये बड़े बड़े हेजल नट, वॉलनट, पिस्ताचियो, आलमंड, ये सारे तोड़ते हैं। तो ग्रीन विंग मकाऊ को नट्स, फ्रूट्स वेजिटेबल से ज़्यादा नट्स पे ज़्यादा ये लोग निर्भर रहते हैं एज कम्पेयर टू स्कारलेट मकाऊ। नंबर 4, टेम्परामेंट। अब बात करते हैं इनके टेम्परामेंट की। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये शायद बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक मकाऊ चूज़ करने का। स्कारलेट मकाउज आर नोन टू बी वेरी नोटोरियस और बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर ये बर्ड होते हैं। इनको खेलना, कूदना, जंप मारना, आवाज़ें निकालना, ये बड़ा पसंद आता है। माया को आपने मेरे शायद व्लॉग में देखा होगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, इफ़ यू वांट यू कैन गो चेक दैट आउट। वहीं ग्रीन विंग मकाऊ बहुत ही सोबर पर्सनालिटी के होते हैं, बहुत ही जेंट। इनको एग्जॉटिक पेट्स में या एग्जॉटिक जो बर्ड्स होते हैं इनको जेंटल जायंट्स बोला जाता है। इसके पीछे रीज़न यही रहता है, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज होने के साथ साथ ये बहुत ही शर्मीले, बहुत ही सोबर एंड जेंटल किस्म के होते हैं और इनकी टॉकिंग भी काफ़ी अच्छी होती है इफ़ यू कंपेयर इट विद स्कारलेट मकाऊ। अभी आपको देखना इसने क्या किया, इसने मेरे वॉच का लॉक खोल दिया इसने। नंबर 5, प्राइजिंग। अब देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप कमेंट में प्राइस क्यों नहीं बताते या वीडियो में प्राइजिंग क्यों नहीं बताते, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव एनिमल और बर्ड्स की सेलिंग नहीं करी जा सकती। अभी आप बोलेंगे दूसरे लोग तो डालते हैं। द मोमेंट सोशल मीडिया का अल्गोरिथम अगर डिटेक्ट कर लिया कि अगर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, प्राइजिंग वगैरह ऐसा कुछ हो रही है, वो वीडियो को या तो चैनल को डिलीट कर देता है, ठीक है। मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूँ, ग्रीन विंग मकाऊ और स्कारलेट मकाऊ के प्राइजिंग में ये ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा महंगा होता है एक ग्रीन विंग मकाऊ से, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसकी अगर आज की करंट प्राइस चल रही है 3.5 से 4 लाख रुपया, तो आप समझ लीजिए एक स्कारलेट मकाऊ कितना महंगा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं, क्यों इतने महंगे होते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाई मकाऊज आर सो एक्सपेंसिव, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कंपेयर किया था एक स्कारलेट और एक ग्रीन विंग मकाऊ को अलग अलग बेसिस पे। आई होप ये वीडियो में आपको एक डिसीजन लेने में आसानी हो सकती है कि कौन सा बर्ड इज सूटेबल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट एंड ऑब्वियसली प्राइजिंग भी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए, सब्सक्राइब करिए, एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ बर्ड विच आर फुल्ली टेम्ड एंड ट्रेंड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो डिस्क्रिप्शन में उसका होगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, गुड बाय।